हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रियलमी डिवाइस के अंदर जो भी डिवाइस है उसके अंदर आप लोग आईफोन के इमोजीज इंस्टॉल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इमोजीज को। तो जो नॉर्मल एंड्रॉयड के इमोजीज है वो सारे के सारे बोरिंग होते हैं, तो आईफोन के इमोजीज जो भी है बहुत अच्छे 3D और अट्रैक्टिव होते हैं और इंस्टा के अंदर स्टोरीज में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगता है मैं सभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो एक एप्लीकेशन का नाम ये है जी फॉन्ट 3। तो ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और एक ईजी ट्रिक में मैं बता देता हूँ, ये बगैर इंस्टॉल करे भी आप लोग कर सकते हैं। मैं नीचे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जेड फॉन्ट मतलब जो iOS 14 का फॉन्ट है उसको डायरेक्टली आप लोगों को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग उससे चेंज कर कर अपने एंड्रॉयड इमोजीज को iOS इमोजीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप लोग देख चुके हो, इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो iOS 14.2, जो लेटेस्ट वर्जन अब चल रहा है वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में से आप लोगों को करना क्या है, सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स, यही मेथड से आप लोग करेंगे तो सही से वर्क करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहले वो जो जी फॉन्ट का जो iOS 14 का जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में से आप लोगों को प्रोसेस क्या करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में गया बाद में से आप लोग ये सेटिंग को चेक करना है, सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स ये वाली सेटिंग्स नहीं दिखेगी जब तक आप लोग रीजन चेंज नहीं करोगे। तो रीजन चेंज करने के लिए आप लोगों को जाना होगा यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन में। लैंग्वेज एंड रीजन में म्यांमार पे चेंज करना होगा। मैं एग्जांपल के लिए मैंने चेंज किया है इंडिया पे, आप लोगों को बताने के लिए कि अगर इंडिया पे रखोगे तो आप लोगों को डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में नहीं बताएगा सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स, तो आप लोगों को कैसे भी चेंज करना ही होगा। चेंज करे बाद में से ही आप लोगों को ये इमोजीज चेंज होंगे, जब तक एंड्रॉयड के इमोजीज पे ही वर्क करेगा। तो आप लोगों को सिंपल है, तो आप लोगों को जाना है इसके अंदर लैंग्वेज एंड रीजन में और जाना है रीजन से डायरेक्ट म्यांमार पे सेट कर देना है। उसके बाद में से आप लोग डायरेक्टली आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में सेटिंग्स में आ जाइए। उसके बाद में से आप देख सकते हैं सपोर्ट डाई कैरेक्टर्स आपको शो हो जाएगा। शो के बाद में से उसको एनेबल कर देना है। उसको एनेबल कर देंगे आप लोगों के आईफोन के इमोजीज आ जाएंगे और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो नॉर्मल, जैसे ना बगैर कोई रिस्टार्ट के, रूट के, बगैर कुछ करे आप लोगों को डायरेक्टली आईफोन के iOS 14 के इमोजीज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।